बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन, राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर राजस्थान को मजबूत बनाना है और रही बात राजनीतिक मजबूती की, तो वो मैं वैसे ही मजबूत हूँ। मीडिया में चर्चा चलती रहती है, सरकार या मुख्यमंत्री बदल रहा है, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है, अगर कुछ होगा तो लोगों को कानो कान पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानो कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, गैंगर नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप जो है ये अफवाह में नहीं आया, अभी मैं 2-3 दिन अफवाह ही सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, तो गवर्नेंस में भी फर्क पड़ जाता है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ही जानना चाहेंगे इस बयान पर, कि क्या रिएक्शन आपका? बेटा मुख्यमंत्री का ये कहना कि इनका इस्तीफा परमानेंट जो है वो कांग्रेस के आलाकमान के पास रखा हुआ है, तो ये एक बात कहने का तरीका होता है। देखिए, जब राजनीति होती है तो राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष जो है विचारधारा का होता है, पार्टी के अंदर भी पक्ष और विपक्ष होता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो सभी लोग पसंद करें, जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है वो आपके अम्ब्रेला के नीचे जो है वो 5 साल की सरकार चलाएं। सभी की जो है इच्छाएं होती है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में या पॉलिटिकल स्ट्रीट के अंदर जो है वो बातें सामने आती हैं या अफवाहें सामने आती है। तो आज मुख्यमंत्री ने ये कहकर उन सभी अफवाहों को विराम लगा दिया है कि अगर कोई बात आपके सामने आती है कि भाई इस प्रदेश के अंदर के नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना चल रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक गहलोत खुद पूरे 5 साल इस कार्यकाल को जो है वो करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पिछले हमने 1.5 साल पहले राजस्थान का राजनीतिक जो परिदृश्य है वो काफी बदलाव सा देखा गया था, और अशोक गहलोत जो खुद बार बार कहते हैं कि उनको अपनी सरकार बचाने के लिए करीब जो है 1 महीने से ज्यादा उनको होटलों में रहना पड़ा था, और उनके जो विधायक थे वो इतने विश्वस्त और इतने कमिटेड थे सरकार के और अशोक गहलोत के प्रति कि उन्होंने सरकार को नहीं गिरने दिया। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक दिन पहले ओटीएस के अंदर भी जो सिविल सर्विसेज के जो पदाधिकारी थे उनका एक फंक्शन था, वहां पर भी अशोक गहलोत ने जो है अपने जो उद्बोधन है उसमें उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की दुआएं थी और मेरे जो विधायक है वो 10-10 करोड़ में भी नहीं बिके, अगर वो बिक जाते तो शायद मेरी जगह यहाँ पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री खड़ा होता। तो मुख्यमंत्री का इस तरह के बयान देने का एक सीधा शर्त यह है कि जो इस समय पॉलिटिकल स्ट्रीट के अंदर कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की सरकार के अंदर या राजस्थान कांग्रेस के अंदर कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो उन्होंने इस तरह के बयान देके अपना आप को जो है ना सिर्फ पुनर्स्थापित किया बल्कि उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया कि अगर कुछ होता भी है तो वो मेंटली प्रिपेयर है, और वैसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और शायद यही कारण था कि आज फंक्शन में सार्वजनिक रूप से उन्होंने फिर कहा। और देखिए, ये जो अशोक जी ने बात कही है ये सभी पार्टियों के अंदर जो है वो तैसी स्थिति होती है, क्योंकि पार्टी का आलाकमान या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, कोई भी मुख्यमंत्री खुद बनकर नहीं आता है। तो जब तक केंद्र के स्तर से लेकर राज्य के स्तर तक जब तक जो है वो आपसी समझ या आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तब तक किसी मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही जो है साधारण सी बात है कि अगर मान लीजिए 1% हम माने भी कि कोई परिवर्तन अगर होने की बात आती है, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, तो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही
इस तरह के निर्णय आते हैं जिसको सभी को स्वीकार्य होता है और सब मानते भी हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर जो है वो बीच के अंदर नेतृत्व पर जो है उसका परिवर्तन होता है। तो मेरा एक सीधा सा ये कहना है कि अशोक गहलोत ने इस तरह के बयान देके खुद को मजबूती से वापस खड़ा किया है और उन्हीं सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जो इन दिनों, जैसे कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से उनके पास भी खबरें आ रही कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, तो उन्होंने इस तरह के बयान देके अपने आप को जो है वो स्पष्ट कर दिया कि इस प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, जो भी होगा वो आला कमान की मंजूरी से होगा। इसलिए जैसे कि हम कभी कभी जुमलों में बात कहते हैं, तो उन्होंने इस बात को ये कहकर और जो है स्पष्ट किया कि भाई मेरा तो जो है इस्तीफा आला कमान के पास पड़ा, जब वो चाहेंगे तब वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही है मुझे नहीं लगता है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात होगी। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और यही वजह है कि जब आज वो ये बयान दे रहे थे तो उस दौरान उनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक था, और निश्चित तौर पर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है इस मुद्दे को लेकर के, तो उस पर विराम निश्चित तौर पर लगेगा मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी बातचीत के लिए।